हाय दोस्तों, डीएल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दाल बाटी और चोखा कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मेरा दाल बाटी चोखा बनके रेडी हो गया। हाय दोस्तों, आज मैं बाटी और चोखा बनाने वाला हूँ। तो आप जैसा देख रहे हो कि मैं अभी गैस पे एक बैंगन, दो बैंगन रख दिया और एक टमाटर रख दिया हूँ। तो ये मैं बैंगन को थोड़ा चीर के इसके अंदर लहसुन डाल दिया हूँ। ये बहुत टेस्टी चोखा बनने वाला है हमारा। आप वीडियो में अंत तक बने रहने का, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट भी कीजिए। अभी ये मध्यम आग में मैं धीरे धीरे पका रहा हूँ, अच्छे से एकदम पक जाएगा। बाद में मैं इसको और मैं दाल को पहले से ही पका लिया हूँ। इसको गैस बना लिया था, खुल नहीं रहा था, अभी खुल गया। इसमें मैं साथ में आलू भी बॉयल कर लिया हूँ, क्योंकि आलू मैं बॉयल करके इधर रख दिया हूँ। मेरा आलू अच्छे से बॉयल हो गया है। आलू को काट काट के डाला था, इसलिए थोड़ा जल्दी पक गया। मैं दाल फ्राई के लिए अभी ये प्याज मिर्चा काट लिया हूँ, साथ में ये तड़का लगा रहा हूँ। जीरा डाल दिया इसमें, ऑयल को थोड़ा हीट करके जीरा डाल दिया, और बाजू में मेरा बैंगन भी धीरे धीरे पक निचका रहा है। अभी ये तड़का अच्छे से लाल हो गया है, और थोड़ा लाल करके इसमें मैं दाल को डाल देगा। अभी मैं इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया। अभी हल्का सा इसमें मैंने गरम मसाला और थोड़ा धनिया डाल दिया। टमाटर को पकने के लिए 2 मिनट तक इसको मैं ढक के रखूँगा। साथ साथ में मेरा बैंगन भी अब अच्छे से एकदम मध्यम आग में पक गया है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और चोखे के लिए इसको रेडी करूँगा। ये मेरा तड़का एकदम अच्छे से लाल हो गया। अभी अब मैं डायरेक्ट इसमें दाल को डाल दे। मैं दाल मेरा फ्राई हो गया अच्छे से। अभी इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए गैस को तेज करके रखेगा। बाद में मेरा दाल रेडी हो गया। दोस्तों, दाल कैसी लगी? दाल को देख के लाइक ज़रूर करना, मेरा दाल कैसा बना है। अभी मैं बाटी के अंदर जो मसाला डालूँगा वो मैं बना रहा हूँ। ये बेसन ले लिया हूँ, चना का स्पेशल बेसन मार्केट से लाया था, एलिस मार्केट गया था, उधर से लाया हूँ। और साथ में अभी बेसन रेडी करने के लिए लहसुन को छील लिया हूँ 10 से 15 कली, अदरक छील के रखा हूँ, मिर्चा रखा हूँ, और ये प्याज, इन सबको अभी मिक्सर में डाल के मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद ये जो बेसन है, बेसन में मिक्स करके फिर बाटी का मसाला रेडी हो जाएगा मेरा। अभी इसमें रख दिया हूँ मैं। अभी जस्ट इसको मिक्सी में मिक्स करेंगे, पीसेंगे। मिक्सी कर दिया हूँ। अभी इसका पेस्ट मैंने एकदम रेडी कर दिया। अदरक, मिर्ची और लहसुन, जैसा कि आप देखे ही थे पहले, इसका पेस्ट रेडी कर दिया। अब इसको मैं बेसन में मिक्स करेगा। मेरा मसाला रेडी होने के लिए तैयार है। अभी मैं इसमें मंगरेल, जीरा डाल दिया हूँ, और साथ में थोड़ा अजवाइन डाल दिया, प्याज डाल दिया, जो पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का, वो सब डाल के अच्छे से मिक्स करेगा पूरा। और थोड़ा इसमें ऑयल भी डालेंगे। तो मेरा मसाला मिक्स होकर रेडी हो गया है। नमक आप स्वादानुसार मिला सकते हैं। चोखा भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे। फाइनली मैं इसके अंदर जो बेसन का पहले से मसाला बनाया हुआ था
इसमें डाल दिया हूँ और अभी ऑयल को भी अच्छे से हीट कर लिया हूँ। एक एक करके इसके अंदर मैं डालेगा। मैं अभी कढ़ाई में सबको डाल दिया हूँ और मध्यम आग में इसको पकाएंगे। जैसे ही पक जाएगा फिर मैं इसको बाहर निकाल लेगा। तो अभी बाटी एकदम पक के एकदम पक गई है, लगभग लगभग क्रिस्पी जैसा बन रहा है। अभी ये रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल लूँगा। मेरी बाटी पक गई, आंच को थोड़ा स्लो करेगा और बाहर निकाल। दोस्तों फाइनली मेरा बाटी बन के रेडी हो गया है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बाटी बनी हुई है। अभी थोड़ा गर्म है और एक अंदर से निकालता हूँ, ठंडा होगा। इसके अंदर मैं मसाला डाला हूँ, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी मेरा बाटी बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनली मेरा दाल बाटी चोखा बन के रेडी हो गया है। और ये मैं बाटी फोर फोर के इसमें थोड़ा थोड़ा सब में घी डाल लिया हूँ, दाल में भी घी डाल लिया हूँ। अब मैं फाइनली खाना खाऊंगा। दोस्तों मेरा खाना कैसा लगा आप लोग बताने का। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।